K10। इसका हम अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यू भी कर चुके हैं, देख लेना वीडियो। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस फोन की तगड़ी वाली कैमरा टेस्टिंग। अगर आप स्पेसिफिक इस फोन को कैमरे की वजह से ले रहे हैं, फोटोग्राफी करने के ले रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, जहां पर हम करने वाले हैं बाहर जाकर टेस्टिंग। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल EFA। सबसे पहले आपको कैमरे के बारे में बता देते हैं, बैक में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिल जाता है, जो कि मेन प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल्स का f1.8 अपर्चर के साथ, बाकी एक 2 मेगापिक्सल्स का मैक्रो लेंस है f2.4 अपर्चर के साथ आता है, और दूसरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है जो कि f2.4 अपर्चर के साथ आता है। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल्स का कैमरा मिल जाता है जो कि f2.0 अपर्चर के साथ आता है, और बैक और फ्रंट दोनों ही से आप 1080p में 30 fps पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 60 fps आपको नहीं मिलता है बैक कैमरे में भी। बाकी कैमरा फीचर्स भी यहाँ पर आपको काफी ज्यादा मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा HD और स्टिकर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, AR स्टिकर, किसी के भी थोपड़े पर कुछ भी लगा के फोटो क्लिक कर सकते हो। बाकी वो सभी फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि स्लो मोशन है, प्रो है, पैनोरामा है, टेक्स्ट स्कैनर का भी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। बाकी अगर आप इस फोन की सभी स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख लेना, जिसमें डिटेल में पूरा रिव्यू क्या था। तो हमने यहाँ पर बाहर जाकर फोटो वीडियो टेस्टिंग की थी, अलग अलग एंगल से फोटो शूट किए थे, अलग अलग एंगल से वीडियो भी शूट किए थे। बहुत मेहनत लगती है और गर्मी में धूप में लाइक तो बनता है ना, कर दो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप पहली बार आए हो। आप तो बिल्कुल सब्सक्राइब बटन और लाइक बटन भूल ही जाते हो, बहुत गंदी आदत है ये भूलने की, बाकी सब्सक्राइब और लाइक तो आपकी मर्जी है। तो अभी आपकी स्क्रीन पर जो फोटो है, ये हमने नॉर्मल मोड से फोटो क्लिक किए थे, और इस फोटो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं जो कलर है वो बिल्कुल नेचुरल कलर है। अगर आप जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर आपको डिटेल भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि पत्थर की आप डिटेल एक एक चीज देख सकते हैं, और कलर आप देख सकते हैं काफी प्यारे कलर आए जो कि नेचुरल कलर है बिल्कुल। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये मैंने धूप में क्लिक किए थे, मुझे पता नहीं था कि धूप में इतने अच्छे फोटो आ जाएंगे, मतलब बिल्कुल नेचुरल कलर है। आप खुद देख सकते हैं कितने प्यारे कलर आए, और जूम करके आप डिटेल भी देख सकते हैं एक एक चीज। ये देखो ये कितना प्यारा सा आया है, मतलब एकदम जो रियल कलर था ना, ओहो क्या बात है। बाकी यहाँ पर मैंने खुद के भी फोटो क्लिक किए ताकि स्क्रीन की क्वालिटी पता चल सके। तो ये वाला जो आप फोटो देख रहे हो, ये नॉर्मल मोड से क्लिक किया है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो डिटेल है वो आपको देखने को मिल जाती है। कलर बिल्कुल नेचुरल है यहाँ पर, बिल्कुल नेचुरल जिसे बोलते हैं ना, वही वाले यहाँ पर कलर है। स्क्रीन में यहाँ पर ठीक है, डिटेल भी आपको मिल जाती है, और ओवर शार्प भी नहीं है। बाकी पोर्ट्रेट मोड से भी फोटो क्लिक किया है, ये आप देख रहे हैं ये वाला जो फोटो है, ये पोर्ट्रेट मोड से क्लिक किया है। बैकग्राउंड काफी अच्छे से यहाँ पर ब्लर किया है, जूम करके आप देखते हैं तो आपको दिखेगा कि ब्लर जो है बैकग्राउंड में वो बहुत अच्छे से मैनेज किया है, और स्क्रीन की क्वालिटी भी बहुत ही सही है, यहाँ पर कोई ओवर शार्पनेस नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ओप्पो ने जो AI इनहेंस्ड का फीचर दिया है ना, वो वाकई में कमाल का है। मैंने AI इनहेंस्ड मोड को इनेबल करके जो फोटो क्लिक किए थे, वो आप देखेंगे उसकी डिटेल गाइस और भी ज्यादा तगड़ी आई है। चेहरे पे जो दाग वाग से होते हैं ना, काले या ऐसे, मतलब होते हैं मेरे आपके सभी के होते हैं, नॉर्मल तिल वगैरह भी होते हैं, तो उनको एकदम क्लीन कर देता है, बिल्कुल क्लीन फोटो आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फेस है एकदम यहाँ पर क्लीन हो गया, लाइक जैसे कि ब्यूटिफिकेशन, वैसे इनहेंस्ड में यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन भी इनबिल्ड है, तो यहाँ पर फेस जो है और भी ज्यादा सही आ जाता है, एकदम क्लीन आ जाता है, आप निराश नहीं होंगे इस फीचर से। बाकी यहाँ पर मैंने 50 मेगापिक्सल से भी फोटो क्लिक किया है जो आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी में जाने के बाद इसके पिक्सल्स को चेक कर लेते हैं, 6144 8160 पिक्सल्स है यहाँ पर, और इसको आप जूम करेंगे तो आप इसकी और भी ज्यादा डिटेल देख सकते हैं, पिक्सल्स फटेंगे नहीं। बेसिकली 48 मेगापिक्सल हो या 50 मेगापिक्सल हो या 108 मेगापिक्सल्स का हो, सबका मतलब यही है ज्यादा पिक्सल्स हैं, तो आप नॉर्मल फोटो के मुकाबले इसको ज्यादा जूम कर सकते हो और ज्यादा डिटेल में देख सकते हो। बाकी एक नॉर्मल यूजर तो ज्यादातर नॉर्मल मोड में ही फोटो क्लिक करता है, जिसे 12 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल या ज्यादा से ज्यादा 24 मेगापिक्सल्स की क्वालिटी देखने को मिल जाती है। और बहुत लोगों को तो यही नहीं पता है, जो फोटो क्लिक कर रहे हैं वो बेसिकली नॉर्मल मोड से ही फोटो क्लिक कर रहे हो, 48 मेगापिक्सल वाला आपके पास फोन है तब भी। यहाँ पर मैंने सेल्फी भी ली है आपकी स्क्रीन पर है, और सेल्फी मैं पर्सनली बता रहा हूँ मुझे बहुत पसंद आई है। अगर आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर स्किन जो आपको देखने को मिलती है सॉफ्ट है, स्मूथनेस है, ना ही कोई ज़्यादा ओवर शार्पनेस है, डिटेल भी आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप और जूम करेंगे तो ऑल डिटेल मिल जाएगी देखने को, बट स्किन जो है ना खराब नहीं होगी, जूम करने से फटेगा भी नहीं फोटो, और ना ही कोई आर्टिफिशियल कलर है, काफ़ी प्यारी सेल्फी है यहाँ पर। और यहाँ पर सेल्फी कैमरे में जो पोर्ट्रेट मोड दिया है, मैंने उससे भी फोटो क्लिक किया है,
तो यहाँ पर आप देखेंगे पोर्ट्रेट मोड में क्लिक किए, ये उससे भी ज्यादा बेहतर आई है निकल के, आप देख सकते हैं। जूम करके देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा डिटेल मिलेगी, स्मूथनेस और स्किन एकदम सॉफ्ट है, डिटेल भी देखने को मिल रही है, ना ही ओवर शार्प ना ही आर्टिफिशियल कलर है। बैकग्राउंड में यहाँ पर काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है। पर्सनली मुझे ये सेल्फी बहुत पसंद आई है। अगर आप एक सेल्फी लवर है, लाइक जो गर्ल्स होती ना जो हर बात बात पर सेल्फी लेती रहती हैं, तो भाई उनके ना दिल मन गुर्दे कलेजी फेफड़े किडनी जो भी है ना, जितने ऑर्गन्स हैं सब खुश हो जाएंगे भाई। सब खुश हो जाएंगे। नहीं ऑनेस्टली गाइस, सेल्फी कैमरा काफी जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है और 360 डिग्री लाइट फिल का जो फीचर दिया है ना, बिल्कुल अंधेरे में मैं यहाँ पर फोटो क्लिक कर रहा हूँ और ये फोटो आप देखेंगे कितना ज्यादा जबरदस्त आया, बिल्कुल अंधेरे में, समझ जाओ अंधेरे में सेल्फी लेने वालों। यहाँ पर मैंने कुछ मैक्रो लेंस से शॉट लिए, काफी नजदीक आके जो भी मुझे कीड़े वीड़े जो भी चीजें मिल रही थी मैंने सबके शॉट लिए, बट मैक्रो लेंस है ना इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, बट हाँ एवरेज है। आप कोई सा भी फोन उठा के देख लो, 20,000 के जो नीचे नीचे है ना, ज्यादातर जो फोन है 20,000 के नीचे नीचे, उसमें आपको यही क्वालिटी मिलेगी। कंपनियां पता नहीं क्यों मैक्रो लेंस में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं कर रही हैं, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों, करना चाहिए या नहीं कमेंट करके ज़रा बताओ। मैंने वीडियो भी शूट किए हैं, अलग अलग एंगल से वीडियो शूट किए हैं, तो यहाँ पर ये वीडियो आप जो देख रहे हैं ये धूप में वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो जो एक्सपोजर है काफ़ी अच्छे से यहाँ पर मैनेज हो रहा है, बट यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही, कहीं ना कहीं हल्का हल्का सा लैग हो रहा है। बाकी जो कलर वलर है और धूप में अगर सामने से सनलाइट पड़ रही है तो एक्सपोजर जो है ना थोड़ा सा डगमगा जाता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो आसमान का नेचुरल कलर है ना वही यहाँ पर दिखा रहा है। हमने यहाँ पर कैमरा जूमिंग टेस्ट भी किया था जो कि इसमें 10x तक का जूम मिल जाता है और क्वालिटी इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं मिली है, आप खुद देख सकते हैं पिक्सल्स फट रहे हैं अगर हम 10x जूम करते हैं फोटो या वीडियोग्राफी में। बाकी इस प्राइस में इतना कुछ दिया है तो इतना जज भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ चलते चलते भी वीडियो शूट किए हैं, दौड़ दौड़ के भी वीडियो शूट किए हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि स्टेबलाइजिंग कितनी बढ़िया मिलती है, बट स्टेबलाइजिंग की बात करें तो आपको निराश होना पड़ेगा। सैंपल आपके स्क्रीन पर है, नॉर्मली चलकर मैंने ये वीडियो शूट किया था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेबलाइजिंग नहीं है, हल्की फुल्की स्टेबलाइजिंग है बट जो स्टेबलाइजिंग होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। अब दौड़ के वीडियो शूट किया मैंने तो आप फिर क्या ही देखें, कई बार हमें करना पड़ता ना जल्दी जल्दी में शॉट, तो आप ऐसे कोई शॉट लेने वाले हैं भाग भाग के तो वो ऐसे शॉट आएंगे, स्टेबलाइजिंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलती है। फ्रंट कैमरे की अगर बात करें, अगर आप व्लॉगिंग करते हैं वीडियो शूट करते हैं तो अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हैं फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है, अगर आप व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं तो देखते हैं क्या क्वालिटी मिलने वाली और स्टेबलाइज कितना हो रहा है, कितना स्मूथ चल रहा है और देखते हैं क्या क्वालिटी होने वाली और वॉइस क्वालिटी क्या मिलने वाली विदाउट माइक। फ्रंट कैमरे की क्वालिटी भी काफी ज्यादा जबरदस्त आई है, बैक में आप खुद देख रहे होंगे कि जो स्काई है आसमान है कलर बिल्कुल नेचुरल दिखा रहा है, क्वालिटी काफी बढ़िया है, कोई शक नहीं इस प्राइस को देखते हुए बहुत सही है, बट स्टेबलाइजिंग नहीं है। मैं यहाँ पर भी यही कहूँगा कि आपने भी देखा होगा कि स्टेबलाइजिंग जो है वो कितनी ज़्यादा ख़राब है। बाकी ये था कैमरा टेस्ट और रिजल्ट ओप्पो के 10 के। उम्मीद है आपके मन में जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, अब आप डिसाइड कर सकते हैं आसानी से कि आपके लायक ये फ़ोन है या नहीं। पर्सनली मैं अपना ओपिनियन अगर बताऊँ, मैं 15,000 में 6GB रैम 128GB स्टोरेज और कैमरा इस प्राइस में काफ़ी ज़बरदस्त है, एवरेज कैमरा नहीं बोलूँगा मैं, एवरेज से प्लस कैमरा बोलूँगा। बाकी यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो एवरेज है और डिस्प्ले भी आपको एवरेज मिल जाती है, बाकी बैटरी इसमें 5000mAh की मिल जाती है, 33W का सुपर वूक फास्ट चार्जर मिल जाता है, ये नॉर्मली आ रहा है इस फोन में, बाकी कंपनियां भी दे रही हैं 5000mAh की बैटरी। बाकी और भी ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू वाला वीडियो ज़रूर देखना, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। कमेंट करके मुझे बताओगे आप ओप्पो के 10 का किस फोन के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं या इसके बारे में और क्या जानना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना ताकि मैं नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, थोड़ा सा लाइक करके मोटिवेट कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो वीडियो को, नहीं हाथ में दर्द नहीं होता इतना सा काम करने में, ठीक है कर दो, बाय, मिलता हूँ अगली वीडियो में, टेक केयर।